तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि प्रिंस नरूला ने अंजलि अरोड़ा को लेकर ही कहीं ना कहीं ट्रोल कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंट में कई सारी कंट्रोवर्सी हुई है, जहां पर आप सभी ने देखा कि एल्विस यादव की कंट्रोवर्सी पर हमें अंजलि का रिएक्शन देखने को मिला था, जहाँ पर अंजलि अरोड़ा ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर फुल सपोर्ट किया था एल्विस यादव के साइड पर। जिसके बाद आप सभी को पता है कि उन्होंने जो मतलब स्टोरी लगाई थी, जहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ था कि हमारे अंजलियां सब आपके सबके साथ में है और आपको सपोर्ट करेंगी, जहाँ पर उन्होंने अपने फैंस को लेकर मतलब ये सब बात बोली थी, जहाँ पर उनका कहना ये था कि हमारे फैंस आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट करेंगे। जहाँ पर आप सही को बता दें कि इसके बाद हमें प्रिंस नरूला का भी एक ऐसा रिएक्शन देखने मिला है, जहाँ पर उन्होंने इसी अंजलियंस को लेकर उन्हें ट्रोल कर दिया है। जहाँ पर आप सभी को बता दें कि जैसे आप सभी जानते हैं कि अंजलियंस उन्होंने अपने फैंस को बोला था और उनके फैंस ने ही उन्हें ट्रोल कर दिया था। एंड इस चीज़ के बाद उन्हें उनके फैंस ने तो ट्रोल किया ही किया, और भी ज़्यादा लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, जैसे कि लक्ष्य चौधरी ने उन्हें मतलब क्या बोलते हैं रोस्ट कर दिया था शायद, और साथ ही एल्विस यादव ने खुद उन्हें ट्रोल किया था, कहीं ना कहीं उनकी वीडियो से देखकर लग रहा था। फिलहाल आप सभी को बताते हैं कि प्रिंस नरूला ने क्या कहा, जहां पर आप सभी को बता दें कि प्रिंस नरूला ने भी कुछ ऐसी स्टोरियाँ लगाई हुई थी, जहाँ पर उनकी स्टोरी से पता चल रहा है कि उन्होंने अंजलियंस मतलब कि अंजलि को ही ट्रोल कर दिया है। जहाँ पर प्रिंस नरूला ने कहा कि कुछ लोग हाइप लेने के चक्कर में आ जाते हैं और अपने फैंस का दिखावा करते हैं और उनके फैंस उन्हें ट्रोल कर देते हैं, और क्या ही बात की जाए ऐसे लोगों की जिनके मतलब फैंस भी हैं, मुझे सुनकर हंसी आ रही है। कहीं ना कहीं प्रिंस नरूला की इस बात को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, एंड साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एंड इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है तब तक, बाय बाय।